स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे द लार्जेस्ट ऑटो शो इन इंडिया ऑटो एक्सपो के बारे में। तो ऑटो एक्सपो जो है वापस आने वाला है 2023 में, एंड ये जो 2023 वाला ऑटो एक्सपो है दिस विल बी ओपन फॉर द पब्लिक बिटवीन द 13th एंड 18th ऑफ जनवरी। अब जो प्रीवियस एडिशन ऑटो एक्सपो का था वो ऑर्गेनाइजर्स को इसीलिए कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि जो COVID-19 सिचुएशन है वो काफी ज्यादा सीरियस है, एंड देयर वाज अ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। क्योंकि ये जो इवेंट होता है ये काफी एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे होता है इवेंट, एंड मैसिव क्राउड गैदरिंग होती है, एंड सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी गारंटी नहीं रहती है ऐसे इवेंट्स पर। तो 11 फरवरी 2023 विल बी द मीडिया डे, एंड उस दिन हम लोगों को कई सारे नई गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स का लॉन्च देखने को मिलेगा। उसी के साथ 12th जनवरी को जो है हम लोग देखेंगे काफी सारे डीलर्स और स्पेशल गेस्ट जो है मीडिया के साथ जो है इस इवेंट को अटेंड करेंगे, एंड पब्लिक के लिए जो है वेरी नेक्स्ट डे जो कि है 13th ऑफ जनवरी ये ऑटो एक्सपो विल बी ओपन फॉर द पब्लिक। अब जो प्रीवियस एडिशन ऑटो एक्सपो के हैं वो ग्रेटर नोएडा में हुए थे वो इस बार भी होंगे, लेकिन जो कंपोनेंट्स का शो है वो हेल्ड होगा दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो ऑटो एक्सपो जो है 2020 टुक प्लेस इन एन इवन नंबर, यानी इवन नंबर के ईयर में हुआ था, और जब से चालू हुआ है तब से लेके अभी तक इवन नंबर पे ही हुआ है। सबसे पहले जो ऑटो एक्सपो हुआ था दैट वाज इन 1986, द लास्ट वन वाज ऑन द ईयर 2020, दैट मार्क द 15th एडिशन ऑफ द नेशंस लार्जेस्ट ऑटो शो। अब जो ये नंबर जो 2023 पे चला गया, यानी एक ऑड नंबर ऑफ द ईयर हो गया है, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी ये ऑड नंबर रहेगा क्योंकि हर 2 साल में ये आता है। तो ये जो अभी ऑड नंबर हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, द फर्स्ट टाइम इट एवर हैपेंड वाज द सेकंड एडिशन ऑफ द ऑटो एक्सपो जो कि 1993 में हुआ था। तो 1992 के जगह इन्होंने 1993 में किया था, तो उस साल एक ऑड नंबर हुआ था, और उसके बाद अब अगले साल जो 2023 है एक ऑड नंबर होने वाला है। नाउ ऑटो एक्सपो जो है वो एक लॉन्च पैड है फॉर मेनी न्यू व्हीकल्स इन द इंडियन मार्केट, और ऑटो मेकर्स जो है भी रीसेंट टाइम में वो काफी शायर कर रहे हैं इस इवेंट से। वो प्रिफर कर रहे हैं कि वो अपना खुद का एक स्टैंड अलोन लॉन्च इवेंट होस्ट करें जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है और वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं, कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। हाउएवर सम कार मेकर्स डू नॉट सीम टू जस्ट शाय अवे फ्रॉम द इवेंट सच एज मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ने इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है अपने नए व्हीकल्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए, जैसे कि जो करंट जनरेशन स्विफ्ट है और जो इग्निस का क्रॉसओवर है वो। उसके अलावा इस कंपनी ने कई सारी गाड़ियों का कॉन्सेप्ट व्हीकल भी अनवील किया है जो कि फ्यूचर में मारुति सुजुकी लॉन्च करेगा। अब सिर्फ मारुति सुजुकी नहीं बल्कि टाटा मोटर्स ने भी इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। ओवर द प्रीवियस एडिशन ऑफ द दिल्ली ऑटो एक्सपो टाटा मोटर्स हैज पुल्ड ऑफ द कवर्स ऑफ व्हीकल, जिसमें इंक्लूड होता है टाटा हैरियर, टाटा सफारी जो कि दोनों H5X कॉन्सेप्ट में थे। उसके अलावा टाटा पंच SUV है वो बेस्ड थी H2X कॉन्सेप्ट पे, और जो टाटा अल्ट्रॉस हैचबैक थी दैट वाज बेस्ड ऑन द 45X कॉन्सेप्ट। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये न्यूज? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट देखने के लिए हिंदी ड्राइव स्पार्क को देखते रहिएगा।